गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी की डिजिटल क्लासेस में सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नरेशन के टिपिकल सेंटेंस के बारे में इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे थ्रू एग्जांपल्स, एग्जांपल के माध्यम से। जो फर्स्ट टेंस सेंटेंस है वो किस प्रकार से आपको क्या बता रहा है कि सी सेड टू हर फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गुड मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है सी सेड टू हर फ्रेंड या फिर रोहित सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग। मदर लिख दो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ठीक है, तीसरा सी सेड थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, फिर है ही सेड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे। इस प्रकार के ये सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे देखिए। तो सी सेड टू आवर फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग को विश करने में यूज़ किया जाता है, विश करते हैं। ये पास्ट टेंस है इसलिए विश की सेकंड फॉर्म आएगी विश्ड। हर फ्रेंड और विदाउट एनी कनेक्टिव, बिना किसी कनेक्टिव के, बिना किसी कंजक्शन के आप गुड मॉर्निंग लिख देंगे। कि शी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर है रोहित सेड टू हर मदर गुड मॉर्निंग हाउ आर। इसमें डबल भी है, ये डबल सेंटेंस वाला है। तो रोहित, इसके अकॉर्डिंग पहले यूज करेंगे विश्ड हिज मदर गुड मॉर्निंग, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क है, एंड से जोड़ेंगे, पहले ही बताया था आस्किड, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए कनेक्टिव के तौर पर, शी वाज, इज आर एम का शी के अकॉर्डिंग वाज, यू किससे चेंज हुआ है मदर से, ध्यान रखना, सेकेंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। सी थैंक्ड, धन्यवाद देने को सैड के स्थान पर थैंक्ड ही आएगा, यहाँ तक ये फिनिश हो जाता है, लेकिन आप मी का यूज़ भी कर सकते हैं या हिम हर, जो भी आपको यूज़ करना है आप इजली यूज़ कर सकते हैं। ही कॉन्ग्रेचू, यहाँ भी सैड के स्थान पर आपको थर्ड फॉर्म यूज़, सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, उसी प्रकार से मी या हिम का यूज़ करते हुए। फिर है इसका आंसर सेकेंड। नेक्स्ट है ही विश्ड, विश कर रहे हैं इसको हम, क्या कर रहे हैं, ही विश्ड, तो विश किस किस प्रकार से कर सकते हैं, या ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लेस्ड या विश
कैसे, मी या हिम, किसी को भी, ही ब्लेस्ड हिम, यहाँ पर हिम यूज़ नहीं कर रखा है लेकिन आपको करना पड़े, करना है तो आप हिम यूज़ या मी यूज़ कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद किस कैसे किया है, कनेक्टिव तौर पर विद, मैनी, हैप्पी। उसके बाद क्या यूज़ करना है आपको, आगे देखिए, मैनी, हैप्पी, रिटर्न्स ऑन योर का हिज या हिम, हर जो भी है, हिज बर्थडे। बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको पूरा, थोड़ा सा अब दिख रहा होगा। तो ये पांच सेंटेंस हो गए हैं, इसके दो सेंटेंस हो रहे हैं उन्हें भी देख लीजिए। ही सैड गुड बाय माई मदर, ही सैड, सिक्स वाला है, ही सैड गुड बाय माई ब्रदर, यानी गुड बाय को क्या कहते हैं, अलविदा करना। तो उसने बेड, बेड यानी गुड बाय, सैड के स्थान पर बेड, गुड बाय हिज ब्रदर। लेकिन यहाँ पर सॉरी, आपको किसको किया है, तो यहाँ पर आपको टू लगाना जरूरी है। ही बेड गुड बाय किसको किया है, टू हिज ब्रदर। फिर देखिए, ही सैड क्या कह रहा है प्रश्न, हेलो, ठीक है। उसके बाद हेलो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, डबल सेंटेंस भी है ये। तो पहले तो इसने ग्रीट किया, ग्रीटेड, ही ग्रीटेड हिम, ठीक है, हेलो हट जाएगा, ग्रीटेड का मतलब हेलो ही होता है, एंड आस्केड, ठीक है, वाट के स्थान पर वाट ही आएगा एज ए कनेक्टिव, ही वॉन्टेड, ठीक है। उसके बाद ये आपके टिपिकल सेंटेंस के सेवन एग्जाम्पल से वो हमने कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें दे रखा है लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, किससे, लेट्स या फिर लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, स्टार्ट विद लेट, ठीक है। इसमें हमको कैसे पढ़ना है, थ्रू एग्जाम्पल्स ही, कोई रूल्स नहीं है, रूल्स लिखाने से कोई मतलब नहीं है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझे, मैं आपको समझा रहा हूँ तो उससे आपको बहुत जल्दी और डायरेक्ट वे में समझ में आएगा, ठीक है। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट्स गो टू, लेट इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, लेट अस, लेट अस को कॉमा, लेट कॉमा इसको लेट अस भी हो सकते हैं, लेट्स गो टू द टेम्पल, ठीक है। फिर दूसरा, ही आई सेड टू हरी, आई सेड टू हरी, लेट्स हैव ए कप ऑफ टी, लेट्स हैव ए कप ऑफ टी। थर्ड,
द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर, लेट मी स्टे हियर। फिर फोर्थ क्या कह रहा है, सी सेड टू हिम लेट मी गो टू होम नाउ। ठीक है, लेट मी गो टू होम नाउ। ही सजेस्ट, नेक्स्ट है गीता सेड, फोर देख लीजिए फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए आई, ठीक है, सेट टू का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लेट्स लेट अस, तो जो ये लेट अस है ना, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ लेता है, ध्यान रखना। लेट अस, अस का मतलब वी अवर अस, थर्ड है ऑब्जेक्टिव में, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है वी का, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक साथ ले लेता है, तो ये एक सजेशन होता है। ठीक है, इसलिए हम सेट टू का लिखेंगे ही सजेस्टेड माई फ्रेंड, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड। ठीक है, और कनेक्टिव के स्थान पर इन्वर्टेड कॉमा की स्टार्टिंग में कनेक्टिव स्थान पर डेट का प्रयोग करेंगे। ये जो कॉमा है एस है या अस है, ये वी में बदल जाएगा, शुड का प्रयोग करना है क्योंकि ये एक सजेशन है कि उसने मैंने अपने मित्र से कहा चलो एक मंदिर चलें या फिर मंदिर की तरफ चलें, मंदिर की चलें, तो मैंने उसको सजेस्ट किया मेरे फ्रेंड को कि वी शुड, हमें जाना चाहिए, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू द टेम्पल। ठीक है, उसी तरह आई सजेस्टेड, सैड है तो सेकंड फॉर्म हरी, डेट वी, क्योंकि ये हरी और आई दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो वी शुड हैव ए, हैव यहाँ पर मेन वर्ब है ध्यान रखना, यानी पजेसिव फॉर्म है, कप ऑफ टी। द बेगर, अब ध्यान दीजिए लेट के साथ केवल एक इंक्लूड हो रहा है मी, बेगर अपने आप को ही इंक्लूड, यहाँ पर केवल बेगर इंक्लूड हो रहा है, तो लेट मी मुझे रहने दो, यहाँ पर बेगर कह रहा है मुझे यहाँ पर रहने दो, तो वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में आता है, ही रिक्वेस्टेड, द बेगर रिक्वेस्टेड डेट, डेट का यूज करेंगे, बोलिए बताइए, जी नहीं हम यहाँ पर डेट का यूज़ नहीं करेंगे, टू लेट यूज करते हुए, टू लेट मी का बेगर के लिए हिम, और स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, देयर, हियर का हो जाएगा देयर। ठीक है, उसी तरह सी रिक्वेस्टेड, अब डिमांडेड भी हो सकता है कि वो मांग कर रही है या उसने मांग की है, उसने रिक्वेस्ट की उससे, टू लेट हर, मी किसके लिए आया है, शी के लिए, टू गो, टू लेट हर गो टू होम नाउ का हो जाएगा देन। ठीक है, तो ये आपके चार सेंटेंस हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आपने देखा लेट अस का मतलब होता है दोनों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों इंक्लूड होंगे, और लेट मी लेट हिम
लेट हर, ये केवल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से ऑप्शनल किसी एक को ही ऐड करता है, तो ये सजेशन नहीं आता है, ये रिक्वेस्ट डिमांडेड में आता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, गीता सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई मस्ट गो टू स्कूल। ध्यान रखना, दूसरा सेंटेंस है, Punit said, let him try ever so hard, comma, he will not succeed. इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर है थर्ड, ठीक है, तो इसमें इसको किस प्रकार से करना है, इसको किस प्रकार से होगा, ये किस प्रकार से होगा। देखिए पहला तो आपको इसमें ये बताना है कि दो ऊपर के फर्स्ट और सेकंड किस प्रकार से लेट इट का प्रयोग हो रहा है, एवर सो हार्ड, लेट हिम ट्राई एवर सो हार्ड, तो इसके अंदर जो एवर सो हार्ड है इससे आपका जो इनडायरेक्ट है वो आंसर चेंज होगा। किस प्रकार से कि गीता सैड, क्या बोल रही है, गीता सैड डेट हाउ एवर हार्ड, हाउ एवर हार्ड, ठीक है, इट माइट रेन, इट माइट रेन, कॉमा, ही मस्ट गो टू स्कूल। उसी तरीके से पुनीत सेड डैट हाउ एवर हार्ड ही ट्राइड या ही माइट ट्राई, ही वुड नॉट सक्सेस। ठीक है, ही वुड नॉट सक्सेस, हाउ एवर हार्ड ही माइट ट्राई ही वुड नॉट सक्सेस। फिर मोहन, ये सजेस्टेड में आ जाएगा, सजेस्टेड मी डैट वी शुड हैव ए पार्टी टुनाइट का हो जाएगा डैट नाइट। देखिए अब किस प्रकार से, इसका अर्थ ये है कि गीता कहती है कि चाहे कितनी भी तेज बारिश हो मैं स्कूल जाऊंगी, पुनीत कहता है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो सक्सेस नहीं होगा, मोहन कहता है कि चलो आज रात को पार्टी करें, ये तो जाना पहचाना है। इसको देखिए, लेट इट, चाहे कितनी भी तेज बारिश होने दो, लेट इट रेन एवर सो हार्ड, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, गीता सेड डैट, लेट इट का हो जाएगा हाउ एवर हार्ड, एवर सो हार्ड का हो जाएगा हाउ एवर हार्ड,
एवर्स वर्ड का हो जाएगा, डेट के बाद लिखना है एवर्स हाउएवर हार्ड, एवर्स हार्ड का हो जाएगा हाउएवर हार्ड, मैंने दो तीन बार बोल दिया है। फिर इट को यूज़ करके माइट का यूज़ करना है, इट माइट, माइट एक मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और यहाँ पर वर्ब है ध्यान रखना, कॉमा आई किसके लिए आया, गीता के लिए, शी मस्ट गो टू स्कूल, तो ये भी ऑक्सिलरी है तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसी प्रकार से पुनीत कहता है कि यहाँ तक ठीक है, एवर सो हार्ड का हो जाएगा हाउ एवर हार्ड, हिम का हो जा मी, हिम किसके लिए आया है, इट तो चेंज होता नहीं है, इट इट्स इट तीनों फॉर्म है, लेकिन हिम का तो फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्टिव क्या होता है ही, माइट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ट्राई, कॉमा अनचेंजेबल है, थर्ड पर्सन ही वुड, विल का हो जाएगा वुड क्योंकि बाहर पास्ट है, और वुड नॉट सक्सीड वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, यह आपको बता ही दिया था कि मोहन सजेस्टेड मी डेट वी शुड हैव ए पार्टी टू डेट नाइट, तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैंने क्या चीज बताया था आपको, एक तो ब्लेसिंग, ठीक है, दूसरा आपको विश करना होता है या फिर कर्स, बद्दुआ, विश्ड, ब्लेसिंग, ठीक है, ये प्रकार से आपको तीन प्रकार के, दो तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसमें दे रखा है ही सैड टू मी, ही सैड टू हर, मे यू लिव लॉन्ग, आप जीते रहो, यानी आपकी उम्र लंबी हो, तो इसको अपन को कैसे लिखना है कि शी विश कर रहा है, ब्लेस्ड कर रहा है, शी ब्लेस्ड हर डेट, यू किसके लिए है, शी, मे का हो जाएगा माइट, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ऑक्सिलरी के साथ, लॉन्ग, ठीक है। दूसरा फादर सैड टू रिंकू या रिंकी, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, इसमें एक्सक्लेमेटिव मार्क जरूर आता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि फादर ब्लेस्ड या विश्ड, कामना करी या आशीर्वाद दिया रिंकी को कि ही या शी, रिंकी लड़की है तो शी है ना, लेकिन यहाँ पर गॉड के लिए पहले गॉड उसको आशीर्वाद देगा तो अपन गॉड लिखेंगे, गॉड माइट ब्लेस हर, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तीसरा कर्स देख लो कि ए पुअर मैन सैड टू ए रिच मैन,
एक गरीब आदमी ने अमीर आदमी से कहा कि मे गॉड मे गॉड एडवर्स यू, कि भगवान आप पर दरिद्रता लाए या भगवान आपको दरिद्र, मे गॉड एडवर्स यू, दरिद्र बनाए। तो बद्दुआ दे रहा है तो ए पुअर मैन कर्स्ड, बद्दुआ देना, ए रिच मैन डेट, यू किसके लिए, गॉड माइट एडवर्स हिम। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आपको जो ब्लेसिंग दिख रही है, चाहे वो गुड ब्लेसिंग है या फिर विश है या फिर कर्स्ड है, उस हिसाब से आपको लिखना है।